विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्ररूपिणी ब्रह्मद्वारु स्वरूपाय चतुर्धामृतये नमः। मत्स्ये कुसुमश्यामं पद्माक्ष पीतवाससं कदम्बमालिन कृष्ण ध्यायतं नास्ति दुर्गति। कदम्बमालिन कृष्ण ध्यायतं नास्ति दुर्गति। कदम्बमालिन कृष्ण ध्यायतं नास्ति दुर्गति। नमस्कार दर्शक बंधु, डीटीवीर अच्युतानंद महापुरुषंकर भविष्यत मालिका कलियुगरे कल्कि आसुछि कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। गत अध्याय आपण माने सुनुथिले जे किभळी भावरे लोक माने पाषाण मूर्ति को पूजा करिवे एवं तपस्विनी बेसरे जोड़ालिंग कूळरे श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण होई किभळी भावरे बुलिबे आग को शुणंतु। अच्युतानंद महापुरुष पंचसंखाग मध्यरे ए अनंत महापुरुष पटामोड़ किभली भाव कथा कही आपण मैंने आग को टी श्रवण करतु। बराह क्षेत्र रे शिवालुंकेश्वर जही पूजा हो ए विश्वमंडले सर्वे चिन्ही न पारिबे। टंका कु धान त होइव भरणे सुरे बारंग सार दस ग्राम करे जने रहिथिबे किए करे कारो बारो। अनंत महापुरुष कहुछंदी कहले टंका को धान भरणे होइब सुनरे बारंग सार। आज्ञा बराहा क्षेत्र श्री बालुंकेश्वर देव पूजा रहिबे विश्वमंडल रे केहि काहा को चिन्हि पारिबे नाही एवं टंका को जेतेबेले भरणे चाउल होइब आज्ञा दशखंडी ग्राम रे जणे केही रही नथिबे। जदि दशखंडी ग्राम रे जणे व्यक्ति थिबो टंका को भरणे धान बा भरणे चाउल हेबो सेतेबेले आज्ञा कारोबार करिबो किए से केही त लोक माने नथिबे ताहाले ए जिनिष को किणिबो किए टंका को भरणे हेउ किबा अधिक हेउ जनता माने थिले से ना ए सबु जिनिसर कारोबार हि पारिबो। जदि एमाने केही नथिबे ताहाले ए कारबारटा करिबो किए से अनंत महापुरुष पटामडान रे आपण मानकु कहउछन्ति सुनंतु भरणे धान को जणे लोक केवल थबो से जणक लोक पाखरे अर्थ कोठी थिबो जे से धान को बा चाउल को से किणी पारिबो। आग को देखंतु दश खंड ग्राम रे केवल जणे गोटे ग्राम रे आज्ञा पाँच सौ लोक रोचंती क्यों ग्राम रे दुई सौ क्यों ग्राम रे तीन सौ रोचंती किंतु महापुरुष कहउछन्ति एमिति समय आसी पहुँची जाए दश खंड ग्राम रे केवल जणे व्यक्ति ही थिबे एही कथाटा ही ध्रुव सत्य। आग को देखंतु महापुरुष कहउछन्ति कौन कहले जे काल रे मीन खेलिबो श्रीक्षेत्रे बाईसी पावसे जाई पहाड़ पोराए सागर आसीब नरन रहिबे केही कहले जे काल रे ये संसार भितरे बाईसी पावस रे मीन खेलुथिब पहाड़ पोराए सागर माड़ी आसीब तेणु से काल रे कौन घटना हेबो आपण माने सुनंतु मीन खेलुथिब जनशून्य हो जाइथिबो धरणी राणी पृष्ठ रे जनता माने नथिबे दशखंडी ग्राम रे जणे लोक थिबो टंका को भरणे चाउल होइथिबो किंतु ए समयटा दिने ना दिने आसी पहुँचियो बोली महापुरुष कहुछंती
हे श्रोता मंडली आपण माने सुनंतु किभली घटना घटिबो ए कली युगरे केवल घटिबो केबे कलीर शेष हेबो आउ केबे सत्य युग आरंभ हेबो ए घटना घटी सारिबो केबे तार मध्य तुलना नाही आपण माने सुनंतु आगो को कोन होउची कले भकत सकत होइन शिवम बेनी पासे जल शिव श्रीराम तारक ब्रह्म एकाक्षर जेहि जन जानी थिब बाईस बाबसर मीन खेलु थिब जगन्नाथ महाप्रभु चली जाइथिबे तापर रे कौन हेब ना जो सागर पराए ए पहाड़ पराए जो सागर रो लहड़ी आसी माड़ी जिबा शिव पहाड़ ठारु उच्च भली समुद्र रो लहड़ी माड़ी आसीब कोठी कि ना देउलो भितर को जो लहड़ी माड़ी आसीब से लहड़ी जिबो कुआडे से जल कुआडे जिब महापुरुष कहउचंदी कोन कहले भकत सकत होइण बसिब बेनी पासे जल जीव जे प्रकृत जगन्नाथंकर भक्त जे प्रकृत ठाकुरंकर भारतीय ठाकुरंकर भक्त होइथिब से भक्त कोन करिबा आज्ञा ए जल को माड़ी बसिब किंतु भक्त निकट रे आज्ञा सब तुच्छ आगुरु ए घटना मध्ये कहि सरसि काहेकि ना भक्त हैला सबुठारु श्रेष्ठ भक्त कोन करिबो से तळे माड़ी बसिबो से जल को से कौ भक्त होइथिबो से किभळी भक्त होइथिबो आ कोन जानिथिबो महापुरुष कहउचंती श्री राम तारक ब्रह्म एकाक्षर जेहि जन जानिथिबो जो जन श्री राम तारक रूपक ब्रह्म एकाक्षर मंत्र को जानिथिबो से ही समुद्र जल को माड़ी बसिबो से जेतेबेले से समुद्र जल को भक्त शिरोमणि माड़ी बसिबे शेषरे समुद्र हारी जीव भक्त निकट रे कौन हेबो ना तार दुई पाखरे जल चले जीव ए कथा महापुरुष प्रमाण देउचंती तेणु संसार भितरे सबुठारु श्रेष्ठ हला किए से ना भक्त जे समुद्र जल को श्रीमंदिर रु एड़ाई दे पारिबार शक्ति अच्छी कहार ना केवल राम तारक ब्रह्म एकाक्षर मंत्र को जो भक्त साधन करिथिबो जे जप करिथिबो से ही समुद्र जल को एड़ाई दे पारिबो ए कथा महापुरुष प्रमाण देउचंती आग को देखंतु सेतेबेले कौन घटना घटिबो कले सतराती परा एक राती हेबो सात दिन एक दिन शपथ मंके प्रकाशी प्रघट सर्वे हो जीवे जान महापुरुष कहिले कहले सात राति परा एक राति हेबो सात दिन एक सात राति एक दिन आज्ञा सात राति गोटे दिन हेबो बा गोटे राति हेबो सात दिन गोटे दिन हेबो सात राति हेबो गोटे राति तेणु सात दिन मध्य गोटे दिन यही भाव घटना घटी चलो सपतम के प्रकाशी प्रघट सर्वे हो जीवे जान जो दिन धरणी राणी पृष्ठ से सात राति गोटे राति हेबो सात दिन एक दिन हेबो सेतेबेले भक्त मानकर परिप्रकाश पाइब भक्त माने सेतिकि बेले जना पड़िबे किए प्रकृत रे भक्त बोली तापर घटना कौन हेबो अंधार होइबो अंधारे रहिबे परा पंच सखा जाई गोमुखी के सबे लीला लागिथिबो जहानी आसिर जही कले अंधार होइबो बंधारे रहिबे पंच सखा जाई ये सात राति एक दिन जो समय रे हेइथिबो सेतिकि बेले कौन हेबो ये जो पंच सखा माने रही जगन्नाथ महाप्रभुंकर जे एत बड़ कहानी को एत बड़ घटना को एत बड़ कथा को परिप्रकाश करिछंती लेखनी माध्यम रे जे पोथीरे तालपत्र पोथीरे लिखी जाइछंती ये मनुष्य जन्मर सार्थकता कौन
ये कलिजुगर मानव माने केमिति सचेतन हो उद्धार पाइबे बोली जो महापुरुष लिखिंट जो पंचसखा माने से पंचसखा माने कौन करिवे आज्ञा सेतेबेले जाई बंधा पड़ी जिवे कौठी ना गोमुखी केशव लीला लगिथिबो जहा नियतिर चही ए गोमुखी केशवर लीला लगिथिबो सेतेबेले सेतिकि बेले पंचसखा माने आज्ञा बंधा पड़ी जिवे। ज्ञानी गुणी श्रोता मंडली आपण माने सुनिले जे महापुरुष किभली भाव बंधा पड़े केमिति धरणी राणीर वक्षरे सात राति एक राति सात दिन एक दिन हेबो वर्तमान तो समय हो गलाणी बाणी को विराम देवारो पुणी आगामी अध्याय महापुरुष कौन लिखिछन्दि सबू से कथा मुकू कह विदाय नेवा पूर्वरु टिके प्रभुंकर पादरे शरणापन्न होगा दरकारे बोले हरे मुरारे मधुकैटवारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे जगे सुनारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष निराश्रय मां जगदीश रक्ष निराश्रय मां जगदीश रक्ष जय जगन्नाथ। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पई आमको जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।